वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम बात करने जा रहे हैं सैमसंग CU 8000 न्यू टीवी के बारे में। ये जो है 2023 का न्यू क्रिस्टल USD टीवी है और ये लॉन्च हो चुका है। सो 2023 का टीवी आप वेट कर रहे होंगे कि नया टीवी कब आएगा, तो फाइनली आपका टीवी जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे। सो क्रिस्टल USD आपको मिल रही है यहाँ पे डायनेमिक क्रिस्टल कलर के साथ। एयर स्लिम डिज़ाइन है। सो साइड से देखेंगे इस टीवी को तो काफ़ी स्लिम दिखेगा, 26 mm अराउंड। और ये 3-साइड बेजलेस डिज़ाइन है। तो बेजलेस डिज़ाइन होने की वजह से क्या है, ये टीवी आपको एज टू एज स्क्रीन आपको देखने को मिलती है, आर्टिस्टिक दिखती है और मैक्सिमम स्क्रीन मिलती है। क्रिस्टल प्रोसेसर 4K आपको मिल जाती है। जो कोई भी कंटेंट आप लगाते हैं उसको 5 स्टेप पे अपस्केल करके आपको 4K लाइक पिक्चर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो ये जो है आपका न्यू CU 8000 टीवी है। बाकी जो मैं नीचे टीवी दिखा रहा हूँ, एक और टीवी, वो BU 8000 है। तो आपने देखा होगा लास्ट ईयर का जो टीवी था वो BU 8000 था, इस ईयर का जो टीवी है CU 8000 है। तो दोनों ही टीवी आप देख रहे हैं, दोनों का कलर वगैरह आप देख पाएंगे। दोनों ही 3-साइड बेजलेस डिज़ाइन है। दोनों का अगर थिकनेस देखेंगे तो दोनों सेम है। पिक्चर क्वालिटी वाइज अगर देखेंगे तो ज़्यादा फ़र्क आपको देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अगर रिमोट की बात करते हैं तो रिमोट हाँ फ़र्क आपको दिखेगा। इस बार जो CU 8000 में रिमोट मिल रही है वो आपको काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज है, थोड़ा छोटा पहले वाले से और स्लिम भी है। तो ये जो देख सकते हैं कितना छोटा है यहाँ पे, देख सकते आप। तो इसे आप देख सकते हैं, ये हाथ में इजीली आपका होल्ड हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं पावर बटन है, वॉइस बटन है और आपका शॉर्टकट कीज़ है यहाँ पे, लाइक नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम वीडियो हो गया, डिज्नी हॉटस्टार हो गया, आपका सैमसंग टी प्लस हो गए, इन सबके हॉट की हैं। और सबसे खासियत जो है इस रिमोट का कि ये सोलर सेल रिमोट है। तो यहाँ पे आपको सी टाइप चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं, तो आपके पास मोबाइल चार्जर होगा उससे आप चार्ज कर सकते हैं। और सोलर पैनल होने से बेनिफिट ये है कि ये खुद ही चार्ज हो जाता है आपका रूम लाइट से या फिर सनलाइट से। तो ये जो है क्रिस्टल कलर के साथ देख रहे हैं, ये है आपका स्मार्ट हब जहाँ पे एक ही जगह पे सारे एप्लीकेशंस, सारे कंटेंट आपको देखने को मिल जाती हैं। सो लाइक जो भी आप OTTs ज़्यादा देखते हैं, लाइक नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, हॉटस्टार, G5, सोनी लाइव वगैरह, और उसके लिए आपको यहाँ पे देखने के लिए सब क्लासिफाइड आपको मिल जाती हैं, लाइक एक्टर वाइज, कंटेंट टाइप, और जो फेवरेट यहाँ पे एप्लीकेशन जो ज़्यादा आप देखते हैं वो सारे कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। तो जो भी आप OTT पे मेजरली आप देखते हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपको बार बार जो कंटेंट ढूंढना पड़ता वो नहीं मिलेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा। ये जो है सैमसंग टीवी में आपका ऐप है, तो ये ऐप्स देख सकते हैं सारे यहाँ पे एक ही जगह पे है। तो इसे आप मूव कर सकते हैं एक लोकेशन दूसरे लोकेशन अपने यूजर्स के बेसिस पे। सैमसंग टीवी प्लस मिल जाती है दोस्तों सैमसंग टीवी में, जहाँ पे आपको 100+ चैनल्स मिल जाती हैं। तो आप सिर्फ नेट कनेक्ट कीजिए और देख सकते हैं। ऐप स्टोर यहाँ पे देख सकते हैं, ये ऐप स्टोर है और यहाँ पे आप सारे एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो भी इंटरटेनमेंट वाले एप्लीकेशन है ना वो आपको मिल जाती है यहाँ पे। सो लाइक स्मार्ट लाइफ वगैरह हो गया, वीडियोस हो गया, इंटरटेनमेंट सब मिल जाती हैं। और ये जो है आप देख सकते हैं ये आपका ऐप, तो इसे रीइंस्टॉल करना हो, मूव करना हो, डिलीट करना हो सब कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं इसमें 4GB का आपको स्टोरेज मिल जाती है एप्लीकेशंस के लिए, और इसे आप चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं एक्सटर्नल मेमोरी लगा करके। तो यहाँ पे आप सर्च पे जाएं तो यहाँ पे जो भी कंटेंट, ये मूवीज़ सीरीज़ आप देखना चाहते हैं डायरेक्टली आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस पे देख सकते हैं, यहाँ आपको मिलती है स्मार्ट थिंग्स। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कैमरा एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे आपको ये सेटिंग है, तो सेटिंग में आपको सब कुछ दिया हुआ है कनेक्टेड जो है। अगर साउंड की हम बात करते हैं तो इसमें 20W का आपको साउंड मिल जाती है यहाँ पे। पिक्चर में आपको डायनेमिक क्रिस्टल कलर मिल जाती है। ब्लूटूथ इनेबल्ड है, तो आप यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन से, या फिर टीवी का साउंड आप साउंड बार में सुन सकते हैं। सेटअप मैं दिखा देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एक्सपर्ट सेटिंग वगैरह में देख सकते हैं आपको कलर हो गया, शार्पनेस हो गया, ये सब को आप इन्हांस कर सकते हैं या फिर आप अपने लेवल के बेसिस पे एडजस्ट कर सकते हैं। साइड व्यू की बात करें तो हाँ सैमसंग के भी ये पैनल्स आते हैं, तो इसमें साइड व्यू काफ़ी अच्छा नहीं मिलेगा, बट आप सामने की तरफ से अगर टीवी देखते हैं तो आपको बहुत बेटर देखने वाला है। कनेक्शन में अगर आप देखें यहाँ पर तो ब्लूटूथ है। जनरल में अगर आप चाहें तो यहाँ पे वॉइस कमांड में दो वॉइस कमांड यहाँ पे मिल जाती हैं आपको, ये आपका देख सकते हैं। सो दो वॉइस असिस्टेंट है यहाँ पे, अलेक्सा हो गया एंड बिक्स भी हो गया, दो वॉइस कमांड है यहाँ पे, तो जिसे आप यूज़ कर पाएंगे। रिमोट का बैटरी चेक करना है तो पावर एंड एनर्जी के मोड के ऊपर चेक कर सकते हैं। इसका जो है
वॉइस कमांड दिखा दे रहा हूँ आपको। सो बिक्सबी और अलेक्सा आप यूज़ कर पाएंगे। अगर आप गूगल असिस्टेंट यूज़ करना चाहते हैं तो आप AI स्पीकर परचेस कर लीजिए। ये जो है आपका सॉफ्टवेयर अपडेट अगर आप करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए यहाँ पे जा सकते हैं और सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हैं। तो जो भी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन होगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये है सैमसंग CU8000। तो इसमें जो सारे फीचर्स वो इस प्रकार हैं, डायनमिक क्रिस्टल कलर, 20 वाट साउंड, क्रिस्टल प्रोसेसर 4K, स्मार्ट हब, ब्लूटूथ, गूगल मीट, स्मार्ट थिंग्स, IoT, ट्यून स्टेशन, 3 HDMI पोर्ट, 2 USB पोर्ट, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग साउंड लाइट, सोलर सेल रिमोट, स्मार्ट व्यू यहाँ पे मिल जाती हैं, स्क्रीन मिरर मिल जाती हैं। तो ये सभी फीचर्स इसमें आपको मिल रही हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।